दिल्ली पुलिस ने लूटपाट करने वाले जहर खुरानी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपी फिरोज, मोहम्मद नसीम और नईम को गिरफ्तार किया है। ये तीनों लोगों को उनके घर छोड़ने के बहाने अपने ऑटो में बैठा लिया करते थे। फिर ये सफर के दौरान मेल जोल बढ़ाकर उन्हें नशीला खाद्य पदार्थ खिला देते थे। जैसे ही सवारी बेहोश हो जाती थी तो ये उनका कीमती सामान लूटकर उन्हें ऑटो से बाहर फेंककर फरार हो जाते थे। इसी तरीके से इन्होंने रुड़की से दिल्ली आए व्यक्ति को उस वक्त अपना शिकार बनाया जब वह कश्मीरी गेट बस अड्डे से निकलकर शास्त्री नगर जाने के लिए इनके ऑटो में सवार हुआ। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे 40 से अधिक CCTV खंगाले, जिसमें संदिग्ध ऑटो की पहचान कर ली गई। इस ऑटो के जरिए पुलिस बाबरपुर में रहने वाले आरोपी ऑटो ड्राइवर फिरोज को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाद में इसकी निशानदेही पर बाकी दो आरोपी नसीम और नईम को भी पुलिस ने जाफराबाद इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 4,000 रुपये नकद, नशीली गोलियां और वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद कर लिया है।